भाई आज तो अजीब सा ही मौसम हो रखा है। ऊपर काले बादल छाए हुए हैं, यहाँ से धूप निकल रही है। अब धूप छुप जाएगी, फिर से बारिश हो जाएगी। अभी भी ना हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, पता नहीं दिख रहा है और सारा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। धूप आ रही है, बारिश आ रही है, पता नहीं क्या ही चल रहा है सुबह से। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइज डूइंग रियली वेल। लास्ट वीडियो में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, मज़ा आ गया यार। आज है सैटरडे, छुट्टी वाला दिन है। मेरे असाइनमेंट्स हो गए हैं ख़त्म, सो आई थिंक इट्स टाइम टू मेक मोर वीडियोस। वीडियो पसंद आ रही है, काफ़ी लोगों को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। क्रिटिसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे, फीडबैक नहीं दोगे तो समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा है। बट थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और ईमेल पे और यूट्यूब पे मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं अकोमोडेशन को लेकर। और अकोमोडेशन इतनी ज़्यादा भसड़ हो गई है। 99% जनता जो है ना वो अकोमोडेशन के बारे में बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं इसमें कुछ हेल्प कर सकता हूँ, घर दिलवाने में नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको कि आप कैसे घर ढूंढ सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं टिप्स दूंगा, कुछ प्रैक्टिकल, आज कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट भी कर लेंगे जाके कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो वाकई में होता है। तो देखते हैं ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। मैं कहीं गया हुआ था काम से, बस अभी वापस ही आ रहा हूँ। और आज सुबह से बारिश हो रही है, धूप आ रही है, बारिश हो रही है, धूप आ रही है, बस यही चल रहा है। पर मौसम अच्छा है, ठंडा है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले और धूप भी अच्छी खासी आ गई है। ये देखो आप लोग अगर देख सकते हो तो ये सारा पानी भरा हुआ है यहाँ पर, साइड में पूरा गीला हो रखा है। मैं बिना अम्ब्रेला के निकल गया था एक्चुअली, और मैंने सोचा कि भैया ये अम्ब्रेला वाली बात निकली है तो आप लोगों को एक डील शेयर करता हूँ। यहाँ पे ना बनिंग्स वेयर हाउस है, वहाँ पे $10 का इतना बढ़िया अम्ब्रेला मिलता है। अगर किसी को अम्ब्रेला लेना है तो बनिंग्स के वेयर हाउस जाओ और वहाँ पे $10 का सिंगल फोल्ड अम्ब्रेला है, लेकिन काफ़ी बड़ा अम्ब्रेला है, तो आप लोग वो ले सकते हो। अब जो है इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ईमेल पे मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं अकोमोडेशन को लेके। सारे कंफ्यूज हैं कि करना क्या है, अकोमोडेशन मिलेगा कैसे। भाई मैं अग्री करता हूँ, अकोमोडेशन इशू तो है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने वाली बात है, ये सारे लोग फेस कर रहे हैं। मैंने भी फेस किया है, आप लोग भी फेस करोगे। तो मैं कुछ टिप्स दूँगा, कुछ तरीके बता सकता हूँ जहाँ से आप लोग अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। हो सकता है किसी के लिए सक्सेसफुल होगा, किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस थाट, दिस क्वेश्चन, एंड मे बी आप लोगों को घर मिल जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, अगर घर ढूंढना है, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मैंने काफ़ी बार ये बोला है कि घर जो है फेसबुक मार्केट प्लेस से आप सर्च करो। अगर आप इंडिया में हो या अपनी होम कंट्री में और वहाँ से न्यूजीलैंड आ रहे हो तो आप जो है एयरबीएनबी करा सकते हो, टेम्प्रेरी बेसिस बुक। 2 हफ्ते का बुक करा लो, चाहे 10 दिन का, व्हाटएवर सूट्स यू। एयरबीएनबी बुक कराने के बाद असली जंग शुरू होगी, जब आपको घर ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पर आके ही घर ढूंढना, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ोटोज़ में डिस्गाइजिंग होती हैं। आपको लगता है हाँ ये है वो है, लेकिन आप बुक कर दोगे, फिर आके आप डिसअपॉइंट हो जाओगे कि नहीं यार ये तो मज़ा नहीं आया, इसमें तो ये कमी थी, इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था लेकिन ये नहीं है। तो बेटर है कि आप पहले एयरबीएनबी करा लो, और अगर आप किसी को जानते हो यहाँ पे रेफरेंस, तो प्लीज़ वो यूज़ करो, एग्जॉस्ट कर दो आप अपनी रेफरेंस, सबसे बात कर लो। जो भी लोग आपको हेल्प कर सकते हैं इनिशियल डेज़ पे, आप उनकी हेल्प लो। कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, उसके साथ रहो। तो अपना थोड़ा सा होमवर्क इंडिया से आप कर कर आओ। आई थिंक, आई एम नॉट टू श्योर फेसबुक मार्केट प्लेस वहाँ पर यहाँ के घर दिखाता है नहीं दिखाता, लेकिन काफ़ी सारे ना फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, ऑकलैंड इंडियन, ऑकलैंड स्टूडेंट ग्रुप, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ जाके बात कर सकते हो। क्लोजली कमेंट्स को ऑब्जर्व करो, हमें पोस्टिंग्स आती हैं कि ये घर खाली है, किसी को रहना है, किसी को बैचलर को रहना है, या कोई टॉडलर के साथ रहना चाहता है, चाहे अपने हस्बैंड वाइफ रहना चाहते हैं। जो भी सिनेरियो है उन ग्रुप्स में वो पोस्टिंग्स आती हैं, आप भी अपनी पोस्टिंग कर सकते हो, दूसरों के कॉमेंट्स भी ऑब्जर्व करो। फेसबुक मार्केट प्लेस नंबर 1 प्लेस सजेस्टेड फ्रॉम माई साइड फॉर फाइंडिंग आउट हाउस। अब इसके बाद आप सेकेंड वेबसाइट जो है वो है ट्रेडमी। तो ट्रेडमी जो है ना यहाँ की बहुत ही बड़ी और फेमस वेबसाइट है, और उस पर काफ़ी ज़्यादा घर, गाड़ियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें बिकती हैं। तो होता क्या है कि वो मार्केट प्लेस है, वहाँ पर भी लोग पोस्ट करते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी को सिर्फ पॉइंट ये नहीं है कि आपको घर लेना है, काफ़ी सारे लोगों को घर देना भी है किराए पे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो पोस्ट करते हैं वहाँ पर, और आप वहाँ पर जाकर उनको फ़िल्टर कर सकते हो और वहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हो, अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो। सो ट्रेडमी इज़ अनदर ऑप्शन। अगर ये दोनों नहीं काम करते हैं इन केस, तो तीसरा है रेफरेंस। जितने भी लोगों को जानते हो ना आप यहाँ पे, उन सब से बात करो, उनको बोलो, पुट इन अ वर्ड ऑफ माउथ कि मेरे को घर चाहिए, मैं आया हूँ, स्टूडेंट हूँ, मेरी ये सिचुएशन है, भैया कोई घर है तो बता दो। काफ़ी लोग ना आप पोस्ट नहीं करते हैं, आपस में बात करके, उनको नॉलेज रहती है आस पड़ोस में कि भाई घर खाली है, कमरा खाली है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को घर चाहिए, काफ़ी लोग एक एक कमरे में भी रहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो भी एक सिनेरियो है। रेफरेंसेस को यूज़ करो, ट्राई करो, उनके साथ एक्सप्लोर करो कि अगर है कि नहीं है, एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म तो कर ही दो कि आप घर ढूंढ रहे हो। ये भी काम नहीं करता है तो इसके बाद एक और चीज़ है जो मुझे यहीं आके पता लगी थी, मुझे पहले नहीं पता थी, वो है आप गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, सुपरमार्केट्स जाओ, वहाँ पे ना बोर्ड्स होते हैं, नोटिस बोर्ड्स, वहाँ पे लोग जो हैं वैकेंसीज डालते हैं, जॉब्स की भी डालते हैं, कारपेंटर ढूंढ रहे हैं, किसी को फर्नीचर बेचना है, प्लस अगर किसी का घर खाली है और वो टेनेंट ढूंढ रहे हैं तो आपको वहाँ पे सक्सेस मिल सकती है। तो जो लोग अपना घर किराए पे डालना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ, उनकी जो पोस्टिंग होती है ना वो आपको यहाँ मिलेगी। गुरुद्वारे, मंदिर, सुपरमार्केट्स, पैक एंड सेव हो गया, टाउन हो गया, इनके जो नोटिस बोर्ड होते हैं वहाँ पे क्लोजली ऑब्जर्व करो, आपको हेल्प वहाँ पे मिल सकती है। लास्टली सबसे अच्छा सोर्स होता है हमारा कॉलेज। कॉलेज में जो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स काफ़ी लोग वर्क वीज़ा पे भी आ रहे हैं, कुछ विजिटर पे भी आ रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कॉलेजेस की। कॉलेजेस में काफ़ी सारे लोग मिलते हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, वहाँ पे भी नोटिस बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे भी वर्ड ऑफ माउथ फैलाओ आप। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी ये वाली प्रॉक्सिमिटी है, मुझे यहाँ रहना है या मैं रहना चाहती हूँ, और हो सकता है कि आपको वहाँ पर हेल्प हो जाए। सो यू नेवर नो कहाँ से डील क्रैक हो जाए। मेरे को जो पहला घर था, इनफैक्ट वो घर नहीं था, एयरबीएनबी था, वो मैंने इंडिया से ही बुक कराया था। 10 या 15 दिन तो टाइम हो गया, याद नहीं आ रहा, 10-15 दिन का मैंने कराया था। मेरी फर्स्ट वीडियो में होगा वो, मैंने उस टाइम पे बताया था और डिस्क्राइब भी किया था, दिखाया भी था एयरबीएनबी। जिसने भी वो एयरबीएनबी अब तक नहीं देखा है और एयरबीएनबी यहाँ पे होते कैसे हैं, क्या कॉस्ट होती है, आप वो वीडियोज़ रेफर करो, मेरी इनिशियल डेज़ की वीडियो है, आपको काफ़ी डिटेल में पता लग जाएगा कि मैंने एयरबीएनबी बुक कराया था, क्या क्या मैं सामान लाया था, काफ़ी कुछ है उसमें। एयरबीएनबी के बाद जो मेरे को ये वाला घर है जिसमें मैं रहता हूँ, ये वाला घर मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस पर मिला था। अब यहाँ पे जब आप आते हो ना तो इससे पहले आप कॉलेजेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनकी हॉस्टल और अकोमोडेशन फैसिलिटी भी होती है, लेकिन वो ना एडवांस में कर देना क्योंकि फुल हो जाती है, क्योंकि भाई बिल्डिंग 1 होती है 2 होती है 3 होती हैं कॉलेजेस के, लेकिन जो कमरे होते हैं वो तो लिमिटेड हैं। बच्चे तो आ ही रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो खास करके, डोमेस्टिक तो अपने घर पर रहता है, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज से हेल्प सीख कर सकते हैं कि भैया मुझे घर ढूंढना है, मुझे बताओ, मुझे जगह नहीं मिल रही है। घर नहीं देंगे वो, आपको हॉस्टल देंगे, शेयरिंग फैसिलिटी देंगे, विच आर गुड इनफ फॉर इनिशियल डेज़। काफ़ी सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इनिशियल डेज़ में रहे हैं हॉस्टल्स में और घरों में। अब जो है मैंने और सुरभि ने अभी कहीं जाना है और मैं आपको ना प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, गुरुद्वारे जाके अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे उन लोगों ने ना नोट्स डाले हुए होते हैं और वहाँ पर वो अपनी वैकेंसी डालते हैं, घरों खाली हैं, टेनेंट ढूंढ रहे हैं, या वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी दिखेंगे जो हम खुद घर ढूंढ रहे हैं, भाई कोई हमें कांटेक्ट कर लो, तो वो वाला प्रैक्टिकल टेस्ट भी कर लेते हैं क्योंकि सुरभि को मैंने न्यूलैंड लेके जाना है, उसका छोटा मोटा काम है। अब जरा अंदर चल के देखते हैं खाने में बन क्या रहा है, सुरभि कुछ लगी हुई है बनाने में, कुछ पब्लिक डिमांड पे, देख लेते हैं एक बार कि बन क्या रहा है। भाई खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हमारा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट फूड सांभर। उत्तरी सांभर बनाया है, क्या बात है, तो मजा आ गया। मेरे को तो बहुत पसंद है राइस के साथ सांभर, बन ही गया है। ये तो मजा आ गया यार, राइस के साथ सांभर, इसे कहते हैं मेंटोस जिंदगी। इससे पहले हम आगे निकले भाई जी, यहाँ पे तो ना पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, पेट्रोल नहीं इनफैक्ट फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, यहाँ पे टैक्स लग गया है और जो फ्यूल है ना वो कुछ 30-40 सेंट्स ऊपर चले गए। इनफैक्ट आज है 1 जुलाई और 30 जून तक का था, 30 जून तक फ्यूल जो था वो सस्ता, तो क्या बोलूँगा, जो था वो था। अब 1 जुलाई से टैक्स लगा दिया, यहाँ पे तो हड़कंप हो रखा है। पेट्रोल पंप्स में तो ऐसी भीड़ लगी हुई है कि पूछो मत। इनफैक्ट मैंने खुद टैंक फुल करवाया है, पता नहीं कितने ही डॉलर बच जाएंगे, लेकिन पूरी लहर दौड़ी हुई है यहाँ पे कि महंगा हो गया, महंगा हो गया फ्यूल। दूसरी चीज़, एक और रूलिंग आई है कि जो सुपर मार्केट्स हैं यहाँ पर वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स अब यूज़ नहीं कर सकते। तो आप जैसे यहाँ पे सुपरमार्केट जाते हो ना, वो जो रोल पे लगे हुए होते हैं प्लास्टिक, आप निकाल के सब्जियाँ भर रहे हो, वॉलनट डाल दिया, पपीता डाल दिया, सारी चीज़ें वो अब जो है प्लास्टिक मिलेंगे नहीं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है बंद हो गया। अब लोग क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप अपने घरों से बैग्स लेकर आओ क्योंकि प्लास्टिक्स जो है ना वो अगेंस्ट एनवायरनमेंट हैं और ऑफकोर्स लोग जो हैं उसमें यूज़ करके उसको फेंकते हैं, तो उसको ये रोकना चाह रहे हैं, बेसिकली गवर्नमेंट जो है रोकना चाह रही है। तीसरी अपडेट जो खबर आई है वो ये आई है कि भाई हमारे घर में है चूहा और ये चूहा जो है ना 1 महीने से इस घर के अंदर है, माँ कसम हाथ में नहीं आ रहा है, भाग रहा है। अभी मैं ले तो आया हूँ इसके लिए रैट पॉइजन, जो केक्स आते हैं वो यहाँ पे मिल गए थे मुझे। भाई वो चूहा जो है ना वो उस केक को खाए जा रहा है, वो मैं हर रोज़ सुबह उठ के देखता हूँ ना, उसमें वो कुतरा हुआ होता है, पता नहीं क्या यार कहाँ से आया है चूहा, मतलब पॉइजन केक्स खा रहा है और जिंदा है और घूमते हुए मिल जाता है घर के अंदर। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी है 2050 तक 2050 तक सारे चूहे मारने हैं, क्योंकि ये चूहे जो हैं ये प्रीडेटर्स हैं, ये इनकी बर्ड्स को नष्ट कर रहे हैं, इनके लिए प्रॉब्लम है। ये 3-4 खबरें आई हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ न्यूजीलैंड में चल क्या रहा है। अब ये है वो छाता जिसकी मैं बात कर रहा था, बनिंग्स की। ये इतना बड़ा छाता है, $10 का है, ये डबल लेयर है इसमें, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। काफ़ी लोग ऑफिस में, इनफैक्ट सुरभि भी मुझे बताती रहती है उसके ऑफिस में, बसेस में ये वाला छाता बहुत दिखता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने वेयर हाउस से लिया था यहाँ $17 का, वो तो भाई इसके आगे छोटू सा बच्चा लगता है। अब ये वाला जो है ना, ये भाई $17 के हैं जो मैंने वेयर हाउस से लिए थे। ये महंगा है 17 का, वो 10 का। भी ये महंगा क्यों है सुरभि पता है तुम्हें? ये महंगा, हाँ ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल के नाम पे ये $17 का बेच रहे हैं। हल्का फुल्का है ये, ठीक है, लेकिन ये बैग बैग में आ जाता है। ये तो भाई आप साइज़ देख ही सकते हो, ह्यूज है। दिस इज़ रिकमेंडेड। गाड़ी में तो एटलीस्ट ये यहाँ पे होना ही चाहिए। आ गए हैं विश्व प्रसिद्ध इंटरनेशनल लिन मॉल, और ये पड़ता है न्यू लिन में। ये है पूरा लिन मॉल, और वहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहाँ काफ़ी फेमस मॉल है। अब यहाँ पे हमारे एक तो छोटे मोटे काम हैं, पहले वो निपटाते हैं, उसके बाद गुरुद्वारे जाएंगे। देखते हैं दिन कैसा जाता है आजकल। जेडी स्पोर्ट, यहाँ से तो तुमने भी शूज़ लिए थे? नहीं नहीं नहीं, हमने अरे लिए नहीं थे, जैकेट देखे थे। हाँ देखे थे, मिली नहीं थी। ये भी, ये वाला बहुत बढ़िया है, सिल्विया पार्क में बढ़िया है, ये बड़ा है, सही है। हाँ भाई भीड़ हो रही है भयंकर, पूरा ऐसा लग रहा है कि आज ऑकलैंड आ गया है। अब हमने जो जाना है, हमने थोड़ा सा बाहर जाना है, पर होते हुए जाएंगे मॉल से ही। सेल 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 सेल, सब सेल, सेल ही सेल हो रही है। सुरभि आई है बैग देखने के लिए अपना, और हम खाता पकड़ के घूम रहे हैं भाई, वही रीति रिवाज निभा रहे हैं पतियों वाली। टाइम हो रहा है अभी 1:45 हो रहे हैं, और अगर टाइम लगा तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। एल्बनी में एक बॉल है, और कॉन्सन बे में मैडम को एक आइसक्रीम भी खानी है, तो टाइम लगा अगर तो वहाँ भी जाएंगे और वो भी दिखा देंगे। मैं आज तक नहीं गया उस एरिया में, तो सुना है काफ़ी अच्छा एरिया है। तो सुरभि गई है वहाँ पर पता करने के लिए, क्योंकि उसको डाउट हो रहा है कि इसमें डिस्काउंट है कि नहीं है, तो अभी वो चेक करके बताएगी। सुरभि को ये वाला बैग पसंद आया है। तुमको भी तो आ रहा है? हाँ अच्छा है। फाइनल हो गया भाई सामान, अब चलते हैं आगे। हाँ ये वाले अपार्टमेंट्स बहुत महंगे हैं यार, यहाँ पे मिलता नहीं है आसानी से। न्यू लिन के हैं ये, हम बाहर आ गए थोड़ा सा। अभी बारिश हुई है यहाँ पे, फिर से बच गए हम। यहाँ से लेफ्ट जाना है, चलो चलो चलो। एक छोटा मोटा काम है बाहर का, वो निपटाना है, इसके बाद हम वापस मॉल में जाएंगे। अपना काम तो हो गया, जो हमने चेंज कराना था उसका इन्होंने रिफंड ही दे दिया सीधा। उन्होंने बोला ये छेती करो, ये पकड़ो अपने पैसे, थैंक यू। उन्होंने रिफंड ही कर दिया सीधा सीधा, तो अपना एक काम ख़त्म हुआ। आ गए हैं गुरुद्वारा श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी। चलो चलो आ जाओ। तो अपने भाई लोग मिल गए थे अभी, सब्सक्राइबर यहाँ पे। नाम क्या बताया था? नाम पूछना भूल गए ऐसे, पर वो पहचान गए हमें, यूनिटेक में ही है। चलो कोई नहीं। तो ये है वो नोटिस बोर्ड जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। रूम अवेलेबल इन हैंडरसन, सिंगल रूम अवेलेबल फॉर सिंगल बॉय एंड गर्ल। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, नंबर देख लो भैया, अगर किसी को चाहिए अभी भी तो फ़ोन कर सकता है। यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है सिंगल बेडरूम अवेलेबल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों तरह के हैं। लोगों ने बोला है कि नहीं, उन्होंने बोला है कि हमें चाहिए, तो हाँ, उसने अपना नंबर दे दिया, कोई पिक कर सकता है उनका। करेक्ट। अब जैसे यहाँ पे भी एक नोटिस है, लुकिंग फॉर पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइन। तो ये जो है यहाँ पे भी सिंगल मैन लुकिंग फॉर रेंट स्लीप आउट स्टूडियो और ग्रैनी फ्लैट फॉर माई सेल्फ, ये मांग रहे हैं। हाँ ये मांग रहे हैं। हाँ तो ये कह रहा था मैं कि गुरुद्वारे में एक्चुअली में ये तो आज भी डेट पे कम है, जब मैं आया था ना नवंबर में पूरा भरा होता था ये, और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस होते थे, मैंने एक्सप्लोर भी किए थे, हालांकि मैंने फाइनल नहीं किया था, बट इट इज़ अ वेरी रिकमेंडेड एंड सक्सेसफुल टूल। काफ़ी काम आता है ये, अगर आप गुरुद्वारे या मंदिरों में जाओगे इस टाइप के आपको काफ़ी सारे एडवर्टिजमेंट्स दिखेंगे। इनफैक्ट लोगों को अगर जॉब भी चाहिए ना वो यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं, एक्चुअली में इट वर्क्स आउट। अब हम अंदर चलते हैं, माथा टेकते हैं, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए। यहाँ पे आने के बाद सीरियसली बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है हम दोनों को, और मिलते हैं थोड़ी देर में। चले चलो। तो जी ये था आपको दिखाने के लिए कि आप लोग अपना अपना घर कैसे ढूंढ सकते हो न्यूजीलैंड में आने के बाद, एंड आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। आई थिंक एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया था कि आप एजेंट्स और एजेंसीज़ को भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है मनीष रावत, मैं मिलूँगा आपको नई वीडियो में। बाय।